आपको दिखा रहे हैं खबर फतेहपुर जिले से, जहां कारगर राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने विकासखंड देवमई के टीकरा ग्राम पंचायत में जाकर मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया। वहीं विकासखंड अधिकारी पारुल कटियार, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रघुराज और कई गांवों के ग्राम प्रधान और तमाम ग्रामीण इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। माननीय मंत्री जी ने हाथरस कांड के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस कांड में जो भी अपराधी है उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा, और राज्य कार्यकार मंत्री जय कुमार सिंह जैकी की तरफ से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और उन्होंने कहा कि वो चाहे जिले का प्रशासनिक अधिकारी भले ही क्यों ना हो, कानून सबके लिए एक है। उन्होंने कहा कि जनता की हर समस्या का समाधान करने के लिए हर समय सरकार तैयार है। देखिए, हम लोगों ने हर गांव सभा में, पूरे उत्तर प्रदेश की हर गांव सभा में जहां पंचायत भवन नहीं है या जहां के पंचायत भवन हमारे जीर्ण शीर्ण हो गए, तो हमने उन गांव में मेंटेनेंस का काम किया है। जहां पंचायत भवन नहीं है उनको हमने पंचायत भवन नया बनाने का पैसा दिया। ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनाने का जो हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा है, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, उसके पीछे है कि हम गांव में ही ग्राम पंचायत में रहने वाले जो अधिकारी हैं, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी है, गांव का लेखपाल है, और ग्राम के रोजगार सेवक हैं, तकनीकी सहायक हैं, ये जो भी गांव में अधिकारी हमारी आशा बहुएँ हैं, हमारे जो भी आंगनवाड़ी के केंद्र हैं, जितने भी हमारे सरकार के योजनाओं को लागू करने के लिए जितने कर्मचारी हैं, इनके लिए भवन नहीं था। इस भवन ना होने के कारण हमेशा हमारे अधिकारी और कर्मचारियों पर पक्षपात का आरोप लगता था। अगर प्राइमरी स्कूल है, अगर वो स्कूल खुला है तो हम वहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते उस समय, चूँकि शिक्षण कार्य चलता। इस कारण ये बड़ा निर्णय लिया गया। उस निर्णय के तहत आज टिकरा में इसका हमने उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन में आज मुझे लगता है जितने गांव सभा के प्रधान आए हैं, जिसने ये काम उनका अधूरा है या नहीं है, उनको आज इसको देख करके लगा होगा कि अगर हम ये काम करें तो हमारे गांव में बहुत अच्छा होगा। COVID-19 के और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। आज हाथरस को लेके जिस विपक्ष जिस घटना का जिक्र करते हैं, घटना हुई बेहद दुख की बात है और घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी निंदा हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो घटना हुई है उसमें सरकार की जो भूमिका है, उस सरकार की भूमिका में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए एक नज़ीर बनेगी। आप देखते जाइए, एक सप्ताह के अंदर पहले दिन ही हमारी SIT ने रिपोर्ट दिया, हमने SP और पुलिस के जितने प्रथम दृष्टया हमें दोषी अधिकारी मिले उन्हें हमने सस्पेंड करने का काम किया। आप सब ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर IS और IPS जो भी अधिकारी दोषी हैं, चाहे महोबा हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कोई भी घटना हो, हमने SP और DM पर आज तक किसी सरकार ने मुकदमा नहीं लिखाया। ये अगर साहस किसी के अंदर नैतिक साहस है तो योगी आदित्यनाथ के पास ये नैतिक साहस है, हमारे मुख्यमंत्री के पास ये नैतिक साहस है कि हम वो करेंगे जो हमारे सरकार की योजनाएं या गरीबों को जो न्याय नहीं दिलाएगा, वो चाहे SP हो, चाहे DM हो या कोई भी अधिकारी हो, अगर गरीब के साथ अन्याय करेगा, किसी के साथ गुंडागर्दी करेगा, अत्याचार करेगा, अपने पद का दुरुपयोग करेगा, उन पर सख्त से सख्त